payment on personal or expense account. क्या मतलब है इसका, ध्यान से देखना. Paid rupees 1000 to Varun है, हम टू में नहीं लिखे थे, ऑन अकाउंट. अब वर्डिंग थोड़ी चेंज करते हैं. पेड रुपीज 1000 टू बनीत फॉर रेंट. दोनों वर्डिंग्स में डिफरेंस है स्टूडेंट. यहां पे 1000 विनीत को दिया, किसके लिए दिया हमें नहीं पता. यहां पे 1000 विनीत को दिया लेकिन रेंट के लिए दिया. तो पहले केस में हम क्या एंट्री करेंगे, सी द फॉर्मेट ऑफ जर्नल. यहाँ पे विनीत डेबिट होगा बीइंग अ रिसीवर. विनीत इज गोइंग टू बी द रिसीवर एंड विनीत अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, दैट इज 1000. डेबिट का रिसीवर पर्सनल अकाउंट का रूल लगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट रियल अकाउंट का रूल लगा, राइट. सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड. विनीत अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. अब दूसरे केस में क्या होगा, हमने विनीत को दिया रेंट तो विनीत का नाम नहीं आएगा, अब की बार रेंट अकाउंट है. रेंट अकाउंट डेबिटेड, जब उसको खुद खर्चे का नाम क्वेश्चन में दे देता है तो आपने खर्चे को ही डेबिट करना है, मीन्स उस पर्टिकुलर एक्सपेंस को डेबिट करना है. तो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का रूल लगा, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. So this is the way. When he himself gives the name of the expense, then that particular expense is supposed to be debited. When he gives the name of the person to whom the amount is to be paid, then that person is to be debited. So this is the difference between the wording given in your illustration. Similarly, the next topic is यहाँ पे तो expense की बात करी है. Now he is talking about income. Sometimes you receive the amount on somebody's behalf. अब लिखेंगे receipt. On personal or income account. अब फोर्थ कैटेगरी पे हम लोग आ रहे हैं. अगर आप किसी को कुछ पे करते हो तो पर्सन को डेबिट करना है. अगर आप कोई किसी को पे करते हो लेकिन एक एक्सपेंडिचर का नाम क्वेश्चन में देना है तो आप उस एक्सपेंडिचर को क्या करोगे, डेबिट करोगे. डेबिट करते हुए किसी भी एक्सपेंडिचर को हम नॉमिनल अकाउंट को फॉलो करते हैं. नाउ फोर्थ कैटेगरी ऑफ योर जर्नल, रसीट ऑन पर्सनल. या तो किसी बंदे के नाम पे हम कुछ रिसीव करते हैं या हम रिसीव करते हैं किसी इनकम को, और ऑन अकाउंट ऑफ एनी इनकम. रिसीव रुपीज 5000 फ्रॉम टीना, दैट्स इट. ठीक है, अगली वर्डिंग, रिसीव 5000 फ्रॉम टीना ऑन अकाउंट ऑफ कमीशन, मींस टीना ने मेरे को पैसे तो दिए लेकिन किस चीज के दिए, कमीशन पे. फ्रॉम टीना ऑन अकाउंट ऑफ कमीशन. अब दोनों की वर्डिंग चेंज है. जब पर्सन का नाम है तो हम उस पर्सन को क्या बनाएंगे, क्रेडिट का गिवर. कैश आया और टीना ने मेरे को कैश दिया, पहले केस में क्या जर्नल एंट्री होगी, डेबिट व्हाट कम्स इन. टीना ने मेरे को क्या दिया, कैश. कैश अकाउंट डेबिटेड टू टीना अकाउंट या टीना अकाउंट, पोस्ट ऑफिस डाल के भी लिख सकते हैं. 5000 बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम टीना. सेकेंड, टीना ने मेरे को 5000 तो दिया लेकिन किस बदले में दिया, कमीशन के बदले में. अब टीना का नाम नहीं आएगा, अब कमीशन का नाम आएगा. सो व्हेनेवर स्पेसिफिक नेम ऑफ द इनकम इज बीइंग गिवन, वी विल बी रेफरिंग द नेम ऑफ दैट इनकम इन आवर जर्नल एंट्री. व्हेनेवर द स्पेसिफिक नेम ऑफ द एक्सपेंस वाज गिवन, वी रेफर दैट एक्सपेंस इन आवर जर्नल एंट्री. ठीक है, दैट अबाउट एक्सपेंस वी हैव जस्ट कंप्लीटेड.
hereby cash account debited second case में to commission received और साथ में लिखना तो लिख दो और only commission will work to commission that is 5000 in front of debit 5000 in front of credit so this was your third and fourth point see the board from the bottom right cash account debited to commission account now come to the next seventh illustration उसने एक क्वेश्चन में खुद सॉल्व करी है दैट यू कैन सी योरसेल्फ आई एम सॉल्विंग सेवेंथ फॉलो अप फॉर यू सेवेंथ फॉलो अप देखिए रीड सेवेंथ फॉलो अप एवरीवन देखिए सेवेंथ फॉलो अप में क्या क्या है ऊपर वाले जर्नल लिखिए उसका फॉर्मेट बनाइए देन स्टार्ट पासिंग द जर्नल एंट्री This is for date. This is for particulars. This is a narrow column, ledger folio. And this is debit amount and credit amount, right? So write down date, particulars, ledger folio, debit, payer credit, payer amount and RA. बेटा जी मैंने फॉर्म भेजे हैं दैट इज एसेंशियल टू बी फिल्ड बाय यू एंड इज टू बी काउंटरसाइंड बाय योर पेरेंट्स एंड टुडे पॉजिटिवली यू ऑल हैव टू से दैट फॉर्म टू मी आफ्टर अटेंडिंग योर क्लासेस राइट अभी मैं थ्री और फोर फॉर्म्स ओनली आई हैव रिसीव सो दिस इज योर प्रायोरिटी टुडे टू सेंड द फॉर्म्स इट शुड बी डिजिटली फिल्ड शुड बी काउंटरसाइंड बाय योर पेरेंट्स ऑल द पर्टिकुलर्स वंस यू फिल that will be assumed as permanent क्योंकि CBSE दोबारा चेंज करने का कोई भी प्रोविजन नहीं देती सो फिल इट वेरी कॉन्शियसली एंड केयरफुल राइट सेवेंथ फॉलो अप देखो बेटा जी फर्स्ट अप्रैल एंड द ईयर ही इज टॉकिंग अबाउट 2018 तो पे लिखिए 2018 एंड द डेट इज फर्स्ट अप्रैल कैश रिसीव फ्रॉम भजन ला Who is the receiver? Nobody is the receiver. Who is the giver? Bhajan Lal is the giver. So credit the giver. What he is paying? Cash. So cash is coming in. Cash received from Bhajan Lal. Cash account debited to Bhajan Lal. जब person का नाम है और किसी income का नाम नहीं है, हम person के नाम से ही entry करेंगे. Being cash received. Being cash received. Draw the double line. Now write the amount in front of debit and credit. This is 6600 up, 6600 down. On to the next transaction after April, 5th April we have commission received from Ram Lal. अब Ram Lal का नाम भी आएगा, commission का नाम आएगा. This is on 5th April. Cash account debited to commission account. जब इनकम और एक्सपेंस का नाम है तो हम उन्हें डेबिट और क्रेडिट करते हैं ठीक है टू कमीशन अभी जैसे मैंने टीना का करवाया था कमीशन टू कमीशन अकाउंट साथ में लिखेंगे रामलाल का नाम नहीं लिखेंगे इट इज 4400 बीइंग कमीशन रिसीव्ड साथ में अकाउंट लिखिए बीइंग कमीशन रिसीव्ड विद योर नरेशन आफ्टर फिफ्थ वी हैव 10th अप्रैल कैश पे टू श्यामलाल अब श्यामलाल का नाम है एक्सपेंस का नाम नहीं है तो श्यामलाल में भी डेबिटेड बिकॉज ही इज द रिसीवर हियर फर्स्टली यू हैव टू आइडेंटिफाई हु इज द रिसीवर हु इज गिवर श्यामलाल इज रिसीविंग द कैश फ्रॉम अस बिकॉज वी आर पेइंग टू हिम श्यामलाल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट राइट हाउ मच कैश वी आर पेइंग टू श्यामलाल 5500 being cash paid. Done. Now come to next. Interest paid to Sundarlal. Interest paid to Sundarlal. So Sundarlal का नाम नहीं आएगा interest का नाम आएगा भाई जब specific expenditure का नाम होता है तो हम उस expenditure को debit करते हैं जब specific income का नाम होता है तो हम उस income को credit करते हैं This is 15. Interest account debited
And first is my expenditure. Nominal income kehta hai debit all expenses. What is going out? Cash. Credit what goes out? Real income kehta hai. So interest account debited to cash account and the amount was 3300. All the amounts he has given divisible by 11. Hello? So being interest paid. So this was the case when you pay income on personal account or on expense account, when you receive income on personal account or on income account. So this was your third and fourth case. Now we are proceeding to the next case. That is about the types of discounts. Let's begin. Types of discounts. How the discounts are to be recorded in our books of accounts. What journal entries we pass. If somebody asks from you, what do you mean by discount? Discount is in the reduction. It's the reduction in the price of the product. ठीक है, मान लो MRP किसी product की 1000 rupees है और वो person कहता है 10% मैं आपको discount दे दूंगा. It means कि 1000 में से 10% 100 rupees minus करके वो product मेरे को आज 900 में पड़ा. So that 10% we call discount. Reduction in the MRP or in the price of the product is named as discount. So discounts, when you give discounts to your customer, that is your expense. And in our accountancy, we will be calling it discount allowed. Discount allowed is our expense. So being an expense, it is always being debited in the entry. When we get a discount, हमारे supplier भी तो हमें कुछ discount दे सकते हैं. हम उस discount को कहा करेंगे discount received. Discount received is our income. And being an income, it is always being credited in the entry. So these two fundas you have to keep in your mind further. Discounts are originally, as per its nature, of two types. One is trade discount. Another is cash discount. Trade discount is being given by one trader to another. And this discount is only to be given when you buy the goods in a large quantity. 5 dozen आप किसी चीज का मंगवा रहे हैं तो आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा by one trader to another. ठीक है, so to promote the large scale buying, this type of discount is being given. And mind one thing, this discount is never to be shown in the books of accounts. लेकिन इस डिस्काउंट के कारण आपका प्राइस जरूर कम हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, आपने 10,000 का सामान खरीदा और वो कहता है 5% ट्रेड डिस्काउंट होगा. ट्रेड डिस्काउंट को मैं आमतौर पे टीडी लिखा करूंगी. 5% 500 माइनस कर दिया तो आप जर्नल एंट्री में उस सामान की वैल्यू 9500 लिखेंगे. डिस्काउंट कहीं पे डेबिट या क्रेडिट नहीं कर. ट्रेड डिस्काउंट विल जस्ट रिड्यूस योर बिल. ट्रेड डिस्काउंट के कारण आपका बिल कम हो जाएगा लेकिन ये कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन नहीं होगा. ठीक है, सो ट्रेड डिस्काउंट इज हैविंग सच टाइप ऑफ नेचर. कैश डिस्काउंट इज बीइंग गिवन बाय द सेलर टू द कस्टमर. इट मींस कि कैश डिस्काउंट मेरे और आप जैसे कस्टमर्स को भी मिल सकता है व्हेन वी मेक द पेमेंट इन कैश. जब इंस्टेंटली जब मैं उधार पे बेचूंगी या खरीदूंगी तो कैश डिस्काउंट नेवर अराइजेस. कैश डिस्काउंट ओनली कम्स इनटू एक्जिस्टेंस व्हेन देयर इज बाइंग एंड सेलिंग ऑन कैश बेसिस. जब आपका सेल और परचेज कैश बेसिस पे होता है, उधार ही के केस में कैश डिस्काउंट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. सो कैश डिस्काउंट में ये रूल लगेगा, व्हेन यू अलो द डिस्काउंट तो डिस्काउंट डेबिट होगा, व्हेन यू रिसीव द डिस्काउंट तो डिस्काउंट क्रेडिट होगा. ठीक है, सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड. आई हैव इलस्ट्रेशन नंबर 8 रिलेटेड टू इट दैट आई एम गोइंग टू सॉल्व. ठीक है, फिर 8 फॉलो अप आपका होमवर्क होगा. 8th इलस्ट्रेशन देखिए. कम एट 8th इलस्ट्रेशन अभी तक. Example number 8. Prepare the format of journal. This is for date. This is for particulars. Ledger folio. This is it. Right? So this is for date. Particulars. Ledger folio. Debit. And done. Now let's see. This is for December month 2018. December 1. पढ़िए जी. Goods list price का मतलब ये है catalogue. Catalogue means a booklet जिसमें आप
प्राइसेस के बारे में सारी डिटेल होती है। सो लिस्ट प्राइस किसी चीज का 8000 था, हमने वो खरीदा 5% डिस्काउंट पे। पहले तो कैलकुलेशन में 8000 का 5% फटाफट कैलकुलेट करिए, दैट विल कम टू अस 400 रुपीज। 400 रुपया डिस्काउंट कट जाएगा, इट मींस कि 8000 में से 400 जब माइनस करेंगे तो यू विल बी पासिंग द एंट्री विद 7600 बाय, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट वी नेवर शो इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ बिल की अमाउंट को कम करता है, लेकिन कभी भी डेबिट और क्रेडिट नहीं होता इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दिस इज अ रूल। राइट, बिल की अमाउंट कम होगी, बस आपको जितने भी सामान मिला आप उतनी अमाउंट डालिए ना। नरेशन में भी विल ऑलवेज रेफर गुड्स ऑफ रुपीज 8000 परचेज एट 5% टीजी, या बिग गुड्स परचेज एट 5% टीजी। राइट, जर्नल एंट्री करिए, वी आर परचेजिंग द गुड्स, सो परचेजेस आर टू बी डेबिटेड। सिखाया था कल आपको डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स आर कमिंग इन, तो गुड्स आर कमिंग इन तो हम लोग उसे परचेजेस कहते हैं। ये रूल नहीं लगाना, तो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, सामान की खरीद पे किया गया खर्चा इज ऑलवेज योर एक्सपेंडिचर, सो बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट इट इज टू बी डेबिटेड। व्हाट इज गोइंग आउट टू कैश, टू कैश अकाउंट, चाहो तो अकाउंट का ए कैपिटल डालो, चाहो तो ए स्मॉल डालो, ठीक है। सो इट इज विद 7600, 8000 में से 400 क्या कर दिया, 5% माइनस कर दिया। बीइंग गुड्स परचेज एट 5% जीटी, बीइंग, चेक करो सॉल्यूशन में, सेम है एंट्री, यहाँ पे टीडी का जरूर मेंशन करेंगे, परचेज एट द रेट ऑफ, जैसे आपकी ईमेल आईडी में एट द रेट ऑफ होता है उसी तरह से डिस्काउंट की परसेंटेज हम लोग एट द रेट ऑफ लिखते हैं, एट द रेट ऑफ 5%। सो दिस इज आवर टीडी। टीडी डेबिट और क्रेडिट कभी नहीं एंट्री में होगा, ओनली द अमाउंट गेट रिड्यूस्ड। आई एम रिपीटिंग द सेंटेंस अगेन एंड अगेन सो दैट यू विल बी एबल टू रिटेन द थिंग्स। राइट, आफ्टर डिसंबर 1st वी हैव डिसंबर 6th। तो क्या हुआ भाई डिसंबर 6th को, कैटलॉग एंड लिस्ट प्राइस सेम ही है, बुकलेट में रेट प्रिंट में होते हैं, कंपनी की तरफ से ये कैटलॉग बुक आती है। हमने फिर से सामान बेचा, 9000 का सामान था, 10% टीडी पे बेचा और सेम्यूल को बेचा। कल आपको सिखाया था जब कभी भी पर्सन का नाम क्वेश्चन में है एंड ही इज नॉट राइटिंग कैश वर्ड इन द क्वेश्चन, इट मींस द गुड्स आर बीइंग सोल्ड ऑन क्रेडिट। सो एंट्री बनेगी, पहले एंट्री बी श्योर अबाउट द एंट्री, सेम्यूल अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। सेम्यूल मेरा क्या बन गया, डेटर, क्योंकि मैंने इसे उधार पे सामान बेचा है। इट इज अ रूल, जो पुराने रूल कर चुके हैं वो हर जगह अप्लाई होंगे। राइट, सेम्यूल का नाम है तो हम सेम्यूल को डेबिट करेंगे। 9000 का सामान इसे बेचा था, कितने परसेंट जीडी पे, मेंटल कैलकुलेशन, 9000 में से 900 माइनस करिए, 8100। बी सोल्ड गुड्स फॉर 8100। अब नरेशन में लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड एट 10% टीजी, दिस एंट्री वाज ऑफ परचेसेस, दिस एंट्री इज ऑफ सेल्स। नाउ कम टू नेक्स्ट, आफ्टर 6th दिसंबर वी हैव 10th दिसंबर। यस, दिस नीड टू डिस्कस, टू बी डिस्कस विद वर्किंग नोट्स। अगर आप देखो पहले वर्किंग नोट्स देखो, यहाँ पे कैलकुलेशन देखो सारी, क्या मतलब है इसका, ध्यान से पढ़ो लाइन, आपको समझ आता है। सिंपल मैथ अप्लाई करेंगे हम, रिसीव्ड कैश आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट 3% टू जॉर्ज हु ओवर्ड अस 7000। पहले के लिए जॉर्ज ओवर्ड अस 7000, वेरी गुड पॉइंट। अदरवाइज मतलब जॉर्ज ने मेरे को 7000 देना, हमने उसे पैसा रिसीव कर लिया आफ्टर डिडक्टिंग अलाउइंग 3% डिस्काउंट, 3% उसे डिस्काउंट दिया, मींस 210 रुपीज उसे डिस्काउंट दिया। हमने उसे कितना रिसीव किया भाई, 6790 हम लोगों ने उसे रिसीव कर लिया। सो जॉर्ज वाज सपोज्ड टू पे टू अस 7000, हमने 3% उसके डिस्काउंट अलाउ कर दिया और बाकी नेट अमाउंट हमने रिसीव कर ली। सो ये क्या है, कैश डिस्काउंट है, दिस इज टू बी शोन, इट इज नॉट टीडी, इट इज सीडी, दिस 210 रुपीज इज आवर कैश डिस्काउंट। सो कैश इज कमिंग इन, डिस्काउंट इज आवर एक्सपेंडिचर, इज अ लॉस दैट इज आल्सो टू बी डेबिटेड बाय फॉलोइंग द नॉमिनल अकाउंट रूल। I'm passing the entry, cash account debited, debit what comes in rule laga, cash account debited, amount yahan se check karo, cash account debited, discount allowed account debited, because we give a discount, so that is our expense, we call it discount allowed, debited to George, credit the giver, so George was liable to pay it to us. George,
6790 से हमें दे दिया, 210 रुपए हमने उसे छोड़ दिए। जॉर्ज से ओवरऑल लेना कितना था? 3000। अगर किसी को डेबिट और क्रेडिट नहीं समझ आया मैंने अमाउंट कैसे निकाली, यू मे रेज योर हैंड, यू कैन आस्क योर पे, अदरवाइज आई एम रिपीटिंग इट फॉर यू अगेन। दिस वॉज द अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज, इतना पैसा जॉर्ज ने मेरे को देना था, 7000। हमने 3% उसे छोड़ दिया, 7000 का जल्दी से 3% कैलकुलेट कर लीजिए, वेरी इजी कैलकुलेशन, 210। 7000 में से 210 माइनस कर दीजिए, सो रेस्ट ऑफ द अमाउंट जॉर्ज इज पेइंग टू अस, जॉर्ज इज पेइंग टू अस एंड वी आर रिसीविंग डेबिट व्हाट कम्स इन। सो 6790 इज कमिंग टू मी, 210 रुपीस आई एम जस्ट अलाउइंग द डिस्काउंट टू हिम, एंड हाउ मच जॉर्ज वाज लायबल टू पे टू अस, दैट वाज 7000 being cash received after allowing discount at the rate of 3%। narration being cash received, bas being word lagana hai, baki sari wording wahi se lenge। so this was your third transaction, now come to fourth, that is 14th December। uski calculation pehle check kariye, मार्च में आप अपनी कैलकुलेशन को रफ वर्क में किया करते थे, अकाउंट्स में आपने अपनी कैलकुलेशन को वर्किंग नोट्स में कर, एग्जामिनर को बता के आने आपने क्या प्लस माइनस किया, क्या मल्टीप्लाई किया, क्या परसेंटेज निकाला। तो इन अकाउंटेंसी वी विल बी प्रिपेयरिंग वर्किंग नोट्स, राइट। पे अब की बार हमने कैश पे किया, 6000 पेबल था, 6000 हमने देना था, 4% रिचर्ड ने हमें डिस्काउंट दे दिया, 6000 का 4% 240, सो 5760 हमने रिचर्ड को पे कर दिया। रिचर्ड इज रिसीवर हियर, 14th December, debit the receiver, Richard, सारे questions हैं भाई, Richard account debited to cash, और Richard ने हमें discount दिया, तो discount मेरी income है, उस income को हम discount received कहते हैं, to discount received, right, Richard को कितना देना था, 6000, दिया कितना, credit what goes out, 5760, 240 रुपए इसने मेरे को छोड़ दिए, जो मेरा डिस्काउंट है, जो मेरी इनकम। तो क्या लिखेंगे, कैश पेड टू रिचर्ड आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 4%, सो मैचिंग विद द बुक, ठीक है, सो कैलकुलेशन इज मैचिंग विद द बुक। एनी डाउट टू एनीवन यू मे आस्क, एनी कंफ्यूजन टू एनीवन यू मे आस्क।